आजकल गाड़ी जो है टाइम और ड्राइवर टाइम पे आ ही नहीं रहा। आज भी मुझे बीच क्लीनिंग पे आना था शिव शास्त्री बैलबोआ के लिए, तो ड्राइवर साहब लेट हो गए, मैंने बुलाया लेट उनको। ऑटो है, ऑटो इमरान का है, और इमरान उधर हेलो बोलो अपने उस कैमरा में, क्या तुम कर रहे हैं? हेलो सर। इमरान साहब लेके आए, इन्होंने दो फिल्में नहीं देखी हैं अभी तक जो इनको दिखाना चाहता हूँ मैं। कौन कौन सी दोनों फिल्में नहीं देखी? पठान और एक ये जो अभी आ रही है। पठान भी नहीं देखी और शिव शास्त्री बैलबोआ भी नहीं देखी, दोनों देखने वाले हैं। अब पहले हमारी शिव शास्त्री बैलबोआ, शिव शास्त्री बैलबोआ बोलो जी, बोलो शास्त्री बैलबोआ ये देखने वाले हैं इमरान मियां हमारे साथ, मतलब इनको हम प्रीमियर पे बुलाने वाले हैं। आओगे भैया? हाँ जी सर, 10 तारीख को रिलीज होगी हमारी फिल्म है। और इनकी फेवरेट फिल्म है कौन सी फिल्म तुम्हारी? दिलवाले ले जाएंगे। ये देखो ये पिक्चर का पोस्टर है, दिल बोल एक नंबर, एक नंबर। आपके सौ पे हर को बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा नंबर अभी दिलवाता हूँ, किसी को बोलते हैं तुम्हारा नंबर। यहाँ पे जो आसपास आपको अभी जो यहाँ पे आसपास वो गंदगी दिखाई दे रही है, अगले आधे घंटे के बाद यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे थोड़ी गंदगी रहती थी इसलिए आज हम लोगों ने इस जगह को चुना, वैसे पूरा बीच अभी बहुत क्लीन रहता है। मैंने देखा बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। 10 फरवरी को रिलीज हो रही है, जरूर देखेंगे और हम जरूर दिखाएंगे। जब मैं 5वीं क्लास था, सनी की उम्र का था, ये सनी है, तो मेरे फादर ने मुझे फेलियर का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। मैंने पहला नाटक किया था पृथ्वीराज चौहान, मैं नॉर्मल बहुत पतला था और दूध वाले का बेटा बना था उसमें जयचंद, तो मुझे प्ले में गड़बड़ हो गई, मैं हार गया, मुझे ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ना बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो घर में जब गया मैं बहुत उदास बैठा था, तो पिताजी बाहर से जंगली पीले फूल लेकर आए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये हारने के लिए नहीं, ये ट्राई करने के लिए। और वो कहानी मेरे को आज याद दिला दी इन लोगों ने, और तो इसके लिए। और यही कहानी हमारी शिव शास्त्री बैलबोआ की है कि कितना ही गिरो और उठना बहुत ज़रूरी है। सर उसका एक फेमस डायलॉग भी बनता है, उसका फेमस डायलॉग अभी पूरी तरह से याद करना पड़ेगा, मगर जो ये है कि मैं आज तक मैं सिर्फ जिंदा था लेकिन अब मैं जिंदगी जीने लगा हूँ। राठी साहब आप खाते हुए सर, इसके साथ में आपकी जो फिल्म आ रही है शिव शास्त्री उसके बारे में अगर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें। देखिए मैं ये मुझे मेरा बता रहे थे मुझे संतोष यादव यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो करते कहते कि हम कैसे मेथी उगाते हैं, कैसे हम इसको लगाते हैं, फिर कैसे इसको संभाल के रखते हैं, फिर कैसे कुएं से पानी निकालते हैं,
फिर कैसे इसको दादर जाकर बेचते हैं। तो मुझे लगा कि हम फिल्म वाले भी वही करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे जन्मता है हमारे डायरेक्टर साहब अर्जन साहब, फिर कैसे उस स्क्रिप्ट फिर कास्टिंग होती है, फिर शूटिंग होती है, अमेरिका में जाके शूटिंग की, फिर हम उसको एडिट करवाते हैं, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं, फिर जाते हैं और फिर बेचना होता है। तो बेचने के साथ मार्केटिंग भी ज़रूरी है। तो ये बोलना शुरू कर दें लोग कहेंगे नहीं तो अरे अपने फिल्म के पोस्टर लगा के आ गया, और ऐसा नहीं है, वो भी ज़रूरी है। तो ये यहाँ तक आज आए हैं और ये इट्स द बेस्ट नोबल वर्क ऑल्सो। If you can do noble work along with also marketing the film, then both the purposes are solved. Yeah, इसी के साथ ही सर वर्सोवा बीच पर आप पहले भी आ चुके हैं, तो आज यहाँ का बीच देखकर आपको कैसा लगा? मतलब superb, what work you have done sir? It's superb. आप सब अपने लिए तालियां मारो जो आपने सबका सही सबने बहुत अच्छा काम किया। वो डायलॉग अनुपम जी का थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि जीवन में कभी ना कभी हम जरूर गिरते हैं, पर महत्वपूर्ण ये है कि हम गिर के उठते कैसे। मुझे टेंशन हो गई कि नराठी जी मेरे डायलॉग याद करने लग गए। वो डायलॉग ही तो खूबसूरत है, मैंने एक ही बार सुना है, पर उसका उसकी आत्मा इतनी है। सही बात, हम सबके जीवन से ये फिल्म भी अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम फिल्म देख रहे हैं, आपको लगेगा कि हम अपना जीवन देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, मित्रों के महसूस करोगे आप। और राठी जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यहाँ के जितने भी लोग ये काम करते हैं, किसान बोल लीजिए, जो बीच वर्कर्स हैं, इनके लिए भी हम एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाले हैं शिव शास्त्री बेलबोआ की। आपको कैसा लगा? आप अमेरिका में रहते हो, आप 20 साल से अमेरिका में रह रहे हो, आपको कैसा लगा आज यहाँ पर आकर? सर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बीच तो इट्स वेरी क्लीन सर, एंड ऑल द ग्रेट वर्क वी आर डूइंग एज पार्ट ऑफ द प्रमोशन, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज कम एंड वॉच द फिल्म। और ये सनी है, सनी ने मेरे फूल पकड़ के रखे थे। सनी तुम कौन सी क्लास में हो? फाइव, फिफ्थ में। मैं भी फिफ्थ में था जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो बहुत बड़ी बात है, इस बीच के तरफ नरगिस जी की भी नजरें इनायत हुई और इससे हमारी अवेयरनेस और बढ़ेगी। हमारे जो लोकल वर्सोवा के रहने वाले लोग हैं वो और इसमें बीच क्लीनिंग में सहयोग करेंगे। इनके आने से जो लोग यहाँ पे हैं, जो सागर कुटीर में और बीच पे रहते हैं, वो भी अपने आसपास और सफाई रखेंगे और हर दिन प्रतिदिन हमारा बीच साफ होता जा रहा है। वो नरगिस जी जैसे सभी मित्रों के सहयोग से ये हो रहा है। किस क्या कहना चाहेंगे आप? मॉर्निंग में आज आ गए हैं आप यहाँ पे, बीच भी क्लीन किया आपने, कैसा लग रहा है और लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट भी किया? Oh, it's so, actually it's really wonderful to wake up, to take a walk on the beach every morning, and what's more beautiful is that the beach is clean. So if everybody can, you know, participate in an initiative like this to keep the beaches clean, we can all enjoy Mother Nature's beauty. Also, what do you want to say about your movie? Oh yes, as you see, I'm part of Shiv Shastri Balboa, and I hope that everybody goes to the theaters February 10th to watch the film. I know you're going to love it. It's a film of courage and inspiration. You take your whole family. Please go February 10th. So would you like to share some memories from shoot, what you guys have experienced while shooting? You know, it was actually such a fun, loving set. So we just really had a lot of good laughs and enjoyed each other's company. Good food, actually, really good food, and great locations. Shiv Shastri Balboa is the story of the common man and his thought processes. How do you feel being the common man today? I mean, we're all common men. We're all human beings. We all are the common man, and that's why I love this movie. Is because it's about a common man who finds the hero inside of him, and we all have a hero inside of us. So any message for your fans? For my fans? Oh my gosh, thank you guys. I love you guys, and please go February 10th to watch the film in theaters, Shiv Shastri Balboa. So sir, aap kya kehna chahenge? Kaisa matlab kaisa experience raha Nargis ke sath kaam karke, Anupam sir ke sath kaam karke? Bahut hi khoobsurat film hai, unique characters hai, यूनिक सीन्स है, यूनिक स्टोरी है और यूनिक लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर फिल्म है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तीन चीज़ आपको इसमें ज़रूर मिलेगी। सबको ये फिल्म देखनी है। साथ साथ नरगिस जी से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा बीच क्लीनिंग क्लब है, हम यहाँ पर एक संस्था चलाते हैं परम प्रांतीय संघ और तरुण फाउंडेशन के माध्यम से इस बीच को हम लोग कई वर्षों से क्लीन कर रहे हैं। आज आपको यहाँ की क्लीनिंग कैसी लगी इनको बताइए आप, और बाकी लोगों को भी आप बताइए कि इस बीच क्लीनिंग से क्यों जुड़ना चाहिए। 10 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है शिव शास्त्री बेलबुआ,
ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें नरगिस जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, अनुपम जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, नीना जी ने काम किया है, और जुगल हंसराज फिर से आपको देखने के लिए मिलेंगे, और आप सबके लोकप्रिय कलाकार शारिम हाशमी भी इसके अंदर है, सब लोगों ने बहुत सुंदर काम किया है। Thank you.